बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दो फैमिलीज हैं जिन्हें आज हमें स्टडी करना है, एक एल्डिहाइड्स और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो पहले आप हेडिंग डाल लें एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स से कहते हैं, तो एल्डिहाइड की डेफिनेशन है, इसको कॉपी कर लें। कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग और कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप तो कीटोन में भी होता है। डिफरेंस ये है कि कीटोन के दोनों तरफ कार्बोनाइल के अल्काइल होते हैं और एल्डिहाइड के कार्बोनाइल के एक तरफ जो है हाइड्रोजन जरूर जरूर होती है। कंपाउंड्स कंटेनिंग, क्या बात कर रहे हैं हम, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है? सी, ये सी डबल बॉन्ड ओ इज अ कार्बोनाइल ग्रुप। अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है इसको कीटोन कहते हैं, और अगर एक तरफ अल्काइल की जगह हाइड्रोजन आ जाए तो फिर ये सी एच ओ का यूनिट बन जाता है, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप अटैच टू अ टू एन अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। ये कार्बोनाइल का यूनिट है, CO इज कॉल्ड कार्बोनाइल। उसके साथ अटैच एक अल्काइल हो और दूसरी तरफ कौन हो, हाइड्रोजन हो, आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। ओके, डेफिनेशन। ये फंक्शनल ग्रुप जो पढ़ा था ना, तभी ये बात समझ ली थी हमने कि कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच टू एन अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए कीटोन से, दोनों में कार्बोनाइल होता है, डिफरेंशिएट करने के लिए कीटोन का फंक्शनल ग्रुप सिर्फ कार्बोनाइल मार्क करते हैं और एल्डिहाइड में सी एच ओ। अगर मैं कीटोन लिखूंगा ना तो मैं फिर उसको यू रिप्रेजेंट करता हूँ कीटोन में, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कीटोन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, और एल्डिहाइड की क्या होती है, सी एच ओ। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल जो फार्मूला है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2nO। लेकिन डिफरेंस ये है कि कीटोन में n इज अ नंबर ऑफ कार्बन जो कि 3 स्टार्ट होता है और एल्डिहाइड में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। एल्डिहाइड में एक कार्बन वाला कंपाउंड पॉसिबल है, तो इनका जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड क्या है, सी एन एच टू एन प्लस ओ। ओके, एल्डिहाइड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर सी एच ओ से, जो डेफिनेशन में लिखा था ना, कार्बोनाइल के एक तरफ अल्काइल है दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, ये दोबारा लिख दिया मैंने आपको, और कंडेंस कर दोगे तो बेटा यूं लिखोगे आर सी एच ओ, और सी एच ओ इज ऑलवेज टर्मिनल, ये याद रखिएगा, ये चेन के अंदर नहीं हो सकता है, ये टर्मिनल होगा, ये कोई एंड पॉइंट होगा जहां से चेन स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, जनरल फार्मूला हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की ना, कि एल्डिहाइड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो पहले हम IUPAC नेमिंग की बात करेंगे, जो कि एक आसान सिस्टम है यहाँ पे नेमिंग का, कि हमने कई फैमिलीज कर ली हैं, तो बेसिक रूल्स सब हमें मालूम है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कि आप स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं, जो कि रूल में नहीं लिखा जाता कि आपको स्ट्रक्चर को ओपन करना होता है। उसके बाद आप रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन मार्क करते हैं ना, उसके बाद जो डिफरेंट बातें हैं ना सिर्फ वो यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं ना। अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। चेन किसकी होती है, सिर्फ कार्बन की होती है, विच कंटेन द एल्डिहाइड ग्रुप। उस चेन में एल्डिहाइड ग्रुप का आना जरूरी है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये उस चेन का टर्मिनल होगा, एंड पॉइंट होगा, लेफ्ट और राइट। ये सारे एलिफैटिक कंपाउंड कर रहे हैं, रिंग नहीं कर रहे हम लोग ना, तो एलिफैटिक कंपाउंड ओपन चेन होती है।
तो ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप CHO, ये हमेशा कॉर्नर पे होगा। पॉइंट नंबर टू लिखिए कि हम नेमिंग करते हुए पैरेंट चेन के एंड में सफिक्स में AL ऐड करते हैं फॉर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के कंपाउंड के लिए हम AL का सफिक्स ऐड करते हैं। मैंने कीटोन का कल आपको होमवर्क नहीं असाइन किया था, आज तीनों का कर दूंगा। अभी बस क्लास खत्म करते कर दूंगा, मैंने अभी सुबह में बैठ के बनाया उसको, इंशाल्लाह मैं आपको करता हूँ, ठीक है? पास पेपर का जो होगा असाइनमेंट। ओके, तीसरी बात जो हमारे लिए आसानी है वो क्या है, नंबरिंग बहुत आसान हो गई कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन जो एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसमें कार्बन मौजूद है ना, ये कार्बन हमेशा कार्बन नंबर वन होगा, आपकी चेन स्टार्ट यहीं से होगी। एल्डिहाइड के कंपाउंड की बात कर रहे हैं, उनमें जब भी चेन स्टार्ट होगी वो CHO वाले कार्बन होगी, कार्बन नंबर वन होगा। द एल्डिहाइड ग्रुप मीन CHO इज ऑलवेज अटैच एट द एंड ऑफ द मेन कार्बन चेन, जो मेन कार्बन चेन है उसके एंड पे अटैच होगा, एंड हेंस द फर्स्ट पोजिशन इन द नंबरिंग इज ऑलवेज असाइन टू इट। इसलिए जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो नंबर वन कार्बन आप हमेशा इसको ही लेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग करना आपके लिए आसान हो गया। तो पहले आप देखते थे ना कि फंक्शनल ग्रुप किस एंड से करीब है, अगर इक्वल है तो फिर देखते हैं ब्रांचेस किस एंड से ज्यादा हैं, और अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इक्वल पोजीशन पे हैं तो फिर आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में नंबरिंग करते हैं। यहाँ आपके लिए बहुत ईजी है कि आपको नंबरिंग स्टार्ट हमेशा कहाँ से करनी है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से करनी है, ये कार्बन नंबर वन होगा, ठीक है? और ये जरूरी नहीं है, ये हमेशा नंबर वन है ना, अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसकी पोजीशन बताएं वन। देखिए लोकिन कब डलता है, लोकिन ये जो वर्ड है ना लोकिन, लोकेशन के लिए, पोजीशन के लिए, ये कब डलता है, जब आइसोमर पॉसिबल हो। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है 1,1-dibromoethane, 1,1-dibromoethane, डायब्रोमोइथेन लिखना इनफ है या 1,1-dibromoethane लिखना जरूरी है, बताइए मुझे, रिप्लाई करो। क्या कहा मैंने, मैंने ये कहा कि 1,1-dibromoethane ये लिखना जरूरी है या सिर्फ डायब्रोमोइथेन लिखना ही जरूरी है, ये ए कर देते हैं ये बी कर लेते हैं, ठीक है? देखिए या सिर्फ लिख देते हैं डाई ब्रोमो इथेन, या सिर्फ इतना लिख दें, मुझे अगर आपको लिखना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो आप ए और बी का रिप्लाई कर दें तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या आंसर कहना चाह रहे हैं। यस, मेरे बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं बी। अब बेटा जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, देखिए मैं जब क्लास में पढ़ा रहा होता ना स्टूडेंट जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो फिर मैं उनको कहता हूँ लिखना नहीं है, अपने तसव्वुर में लेके आए स्ट्रक्चर कैसा होगा और फिर उसका नाम बताएं कैसा होगा ना, तो इसको भी लिखना नहीं है, मतलब मैं मतलब पेन पेंसिल नहीं हिलानी है आपको, स्टिल बैठ के अपने दिमाग में सोचिए कि कैसा होगा। डायब्रोमोइथेन हमने कहा, डायब्रोमोइथेन का मतलब होता है दो कार्बन पे ब्रोमो लगे हुए, दो कार्बन है और उसमें ब्रोमो लगा हुआ, ठीक है? ये दो कार्बन है, ये पहला का इथेन मीन टू कार्बन ना, मैंने कहा 1,1-dibromo, ब्रोमीन यहां लगाया और ब्रोमीन यहां लगा दिया, इट्स 1,1-dibromo। तो सिर्फ डायब्रोमो कहना इनफ नहीं होगा, क्यों? ये ब्रोमो जो कार्बन नंबर वन पे है दोनों एक साथ, अगर ये दोनों अलग हो जाए तो फिर ये क्या है, ये डायब्रोमो जरूर है लेकिन 1,1 नहीं है, इसलिए कौन से डायब्रोमो की बात की जा रही है, इसलिए लोकन लगाना यहां जरूरी है। ठीक है, आपने डायब्रोमो कहना इनफ नहीं, डायब्रोमो दोनों है लेकिन दोनों डिफरेंट है ना, एक 1,1 है और एक 1,2 है, तो ये दो आइसोमर है इसमें, 1,1 भी है और 1,2 भी है, इसलिए सिर्फ डायब्रोमो कह देना इनफ नहीं होगा, लोकन डालना जरूरी था। और अगर मैं लिखता हूं ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन ब्रोमोइथेन ब्रोमोइथेन, मुझे लोकन डालने की जरूरत नहीं है, ये कंफर्म है कि ब्रोमो जो है कार्बन नंबर वन पे होगा, इथेन में टू कार्बन, एक कार्बन ब्रोमो लगा दिया, और अगर ये आप ब्रोमो राइट कार्बन में लगाएं तब भी क्या होगा,
ये भी वन ब्रोमो है, ये भी वन, दोनों वन वन ब्रोमो है, तो यहाँ वन डालना जरूरी नहीं है। तो लोकेंट की बात कर रहा था कि लोकेंट्स कहाँ डालते हैं, लोकेशंस कहाँ करते हैं हम, जहां पे आइसोमर बनना पॉसिबल है। ये हमेशा कार्बन में वन होगा, कार्बन में टू नहीं जा सकता, थ्री नहीं जा सकता। तो इसलिए हर नाम के अंदर वन वन लिखना जरूरी नहीं है, ये हमेशा वन ही होगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं, एक लफ्ज लिखता हूं प्रोपेनल, इसमें इस ए का ख्याल करना, आपका रिटर्न जो है उसमें ए को बनाते हुए ख्याल करना है। अगर आपने ज्वाइन राइटिंग में कहीं ऐसा लिख दिया ना, कुछ ऐसा करके लिख दिया मतलब, तो ये ओ नहीं लगना चाहिए, वरना फैमिली चेंज हो जाएगी, ये प्रोपोनोल अल्कोहल हो गया है और ये प्रोपोनल एल्डिहाइड है। इस प्रोपोनल में एल्डिहाइडिक, ये सुफिक्स क्या लगाया हमने, ए लगाया ना, ये लिखा हुआ एल्डिहाइडिक कंपाउंड में हम सुफिक्स ए लगाते हैं पेरेंट चेन के अंदर। प्रोप का मतलब क्या होता है, थ्री कार्बन, ए का मतलब है सिंगल बॉन्ड, सेकेंडरी सुफिक्स क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो यहाँ वन प्रोपेनॉल लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये पहला कार्बन ही होगा। पहला कार्बन कैसे होगा, CH3, CH2, NCHO। ये कार्बन नंबर वन है, ये कार्बन नंबर टू है, ये कार्बन नंबर थ्री है। तो इसलिए ये बात की जा रही है कि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप को आपको लोकेंट डालने की जरूरत नहीं होगी। तीन बातों को मैंने यहाँ डिस्कस किया है कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो होगी, लॉन्गेस्ट चेन उसमें एल्डिहाइडिक कार्बन का होना जरूरी है, नेम लिखते हुए सुफिक्स में एल डालते हैं, CHO कार्बन हमेशा कार्बन नंबर वन होता है, इसको पोजीशन देने की जरूरत नहीं होगी। मिसाल के तौर पे एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया, अब ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया हुआ है H2CO। इस स्ट्रक्चर से पहले, इससे सबसे पहले एक बात दोबारा जरा गौर कर लीजिए, या लिख लीजिएगा, लिखा होगा कहीं तो वही नोट डाउन कर लें कि एल्डिहाइड की ये रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें आर जो है, आर आर इज एन हाइड्रोजन, इज अ हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप, ये याद रखें। इससे पहले आर कभी एच नहीं लेंगे आप एल्डिहाइड में, सॉरी एल्डिहाइड में आर जो है हाइड्रोजन के लिए भी होगा, आर इज नॉट अ हाइड्रोजन, ये बात तो कंफर्म है, आर मीन अल्काइल, लेकिन आर की जगह आप हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड ले सकते हैं। अब जो तीन फैमिली हमारी सिर्फ रहेगी ना, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स, ये हमारा सिलेबस है नॉमनक्लेचर में, और थ्योरी में भी यही है हमारा। अमाइंस का नॉमनक्लेचर मैं करवा दूंगा क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में वो कुछ थोड़ा बहुत दिया हुआ है, एग्जाम में एज सच नहीं आता है, लेकिन बुक में जब लिखा हुआ है तो जरा पढ़ लेते हैं उसको भी। तो दो फैमिलीज आज कर रहे हैं, फिर दो रह जाएंगी, कौन कौन से रह जाएंगे, एक रह जाएगा ईस्टर्स और दूसरा अमाइंस। फिनोल मैं हमेशा थ्योरी में करवाता हूँ, फिनोल ना, ओके। तो यहाँ ये तीन फैमिलीज हमारी रहेगी, कौन कौन सी, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, इसमें आर इज ऑल्सो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। तो अब मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है, उसमें दो हाइड्रो नजर आ रही है ना आपको, कार्बोनल की दो हाइड्रो नजर आ रही है, तो ये इसकी यूनिट वैल्यू है। एच सी एच ओ को कंडेंस कर दिया हमने, जब कंडेंस कर दिया तो आप देखें कि एच कितनी होगी, टू, और क्या रह गया, कार्बोनाइल रह गया। ये बेटा असल में मीथेन से बनता है ना, मीथेन से जब बनता है ना तो फिर ये जो है एक कार्बन वाला एल्डिहाइड पॉसिबल है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन है, हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, क्या बनता है, मीथेन होता है ना, मीथेन CH4 एक कार्बन है ना, उससे बनता है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड। तो इसकी यूनिट वैल्यू जो है, यूनिट वैल्यू एक एक्सेप्शन के यूनिट वैल्यू वो एच है, और एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो इससे क्या मिल जाता है, फॉर्मिक एसिड, इसलिए फॉर्मिक एसिड में भी जो यूनिट वैल्यू है उसके अंदर अल्काइल नहीं है, उसमें हाइड्रोजन है, इस वजह से ऐसा है। तो एल्डिहाइड में भी देखा आपने ये फॉर्मूला, ये यूनिट वैल्यू है। ठीक है, एच सी एच ओ इसकी यूनिट वैल्यू है ना, यूनिट वैल्यू। तो अगर इसका होमोलोगस लूंगा तो CH2 को इजाफा कर देता हूं, क्या हो जाएगा,
CH3 CHO। आप देखें CH2 का इजाफा हुआ या नहीं हुआ, CHO अपनी जगह पे है CHO, और मैंने क्या किया CH2 इसमें ऐड कर दिया। क्या ऐड किया इसमें CH2, तो ये होमोलोगस बन गया। CH2 ऐड किया और H मिलके क्या बन गया CH3, तो यूनिट वैल्यू इसकी ऐसे आ रही है। ठीक है ओके, मैं जरा इसको रब कर दूं सारे को। टॉपिक पे आते हैं, देखिए ये हमारा एक फार्मूला है, इसका मतलब ये है कि ये है एच सी एच ओ है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के लिख दिया जाता है। हमें समझ में आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। क्या स्ट्रक्चर क्या है, देखो ये क्या है, कार्बोनाइल शो कर रहा है ना, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो शो कर रहा है आपको, और दो हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दें आप, कंडेंस करें तो क्या होगा एच सी एच ओ। ये सी एच ओ इज अ एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो इसलिए ये बात स्टार्ट से याद रखनी है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप में R की जो वैल्यू है, जो एक R अल्काइल ग्रुप है, उसकी फर्स्ट वैल्यू H है, उसके बाद मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल चेन बनने शुरू हो जाती है। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ, इसका IUPAC नेम करना है। तो ये देखिए एल्डिहाइडिक कंपाउंड का IUPAC नेम करने में आपको सबसे पहले क्या करनी होती है, चेन मार्क करनी होती है। आपके गिवन स्ट्रक्चर में एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को अल्केन में नाम क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं। एल्डिहाइड होने की वजह से हम ये ई जो है इसकी जगह क्या ऐड कर देंगे, सफिक्स एल ऐड कर देंगे, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या बन गया, एल ऐड कर दे मीथेनल। ई क्यों ड्रॉप कर रहे हैं कि जो सेकेंड सफिक्स ऐड हो रहा है, जो सेकेंडरी सफिक्स ऐड हो रहा है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका IUPAC नेम क्या हो गया, मीथेनल। तो मैंने एक कार्बन से स्टार्ट लिया आपको, ठीक है यस, इसका नेम क्या है, मीथेनल। अब एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया हुआ, आप ट्राई करो, आप पैरेंट चेन मार्क करोगे, नंबरिंग करोगे सब्स्टिट्यूएंट को लोकेट करने के लिए, फंक्शनल ग्रुप तो नंबर 1 ही है, इसका नाम ट्राई करो, क्या नाम लिखेंगे इसका, आप ट्राई करें। ये बेटा कुछ गलतियां कर रहे हैं आप लोग ना, पेरेंट चेन मार्क करेंगे, पेरेंट चेन जो है वो कितने कार्बन्स की है, ये चेन मार्क करेंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट में क्लोरो और मिथाइल को मार्क करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 है, ये हमेशा कार्बन नंबर 1 ही होगा, इज गुड, 2 होगा 3 होगा 4 होगा, ये रूल्स है ना हमारे, पहले चेन मार्क करते हैं, मार्क कर दी, इज गुड। आयशा बेटा 1 नहीं डालना, 1 बिटन इस बिटनल अंडरस्टूड है, बिटनल होगा, और 3 मीथेन नहीं होगा, मिथाइल होगा। क्या नेम हो रहा है इसका, पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम डालेंगे, क्या नाम होगा, 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, 3 कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, एंड पैरेंट चेन कौन सी है, ब्यूटेन की, सफिक्स एल डाल दिया, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ओके अब मैं इसका नाम तो ये लिख दिया नीचे मैंने, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अब मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इसका IUPAC नेम ट्राई करो, क्योंकि आपके एंड से वर्क होना चाहिए, तो ये लर्निंग होगी, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब तो नॉमेनक्लेचर तो अब हमारा बहुत कुछ हो चुका है, अगर हमने चीजों को याद कर लिया है। अब इसका मैं नेम बताना है IUPAC, तो चेन मार्क करेंगे आप, लॉन्गेस्ट कौन सी है, उस लॉन्गेस्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आना जरूरी है, यस गुड ओके ऑलमोस्ट सब तमाम स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया मुझे, 2-2 डाइक्लोरोप्रोपेनॉल, यस गुड ना, सबने सही बिल्कुल सही आंसर किया, यस ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है।
दो मिथाइल लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये कार्बन नंबर वन है, ये कार्बन नंबर टू है, ये कार्बन नंबर थ्री है। क्या नाम हो गया उसका? थ्री सॉरी टू टू डाई मिथाइल प्रोपनल। यस, टू टू डाई मिथाइल प्रोपनल। अब एक और स्ट्रक्चर है, इसको ट्राई करो। मैंने एक और डिफरेंट स्ट्रक्चर दे दिया, बस ये क्लास के स्ट्रक्चर आपने कर लिए, एल्डिहाइडिक की नेमिंग आपको समझ में आ गई। सॉरी, इसका मतलब ये होगा, ठीक है? ओके, ये एक स्ट्रक्चर दिया है, इसका जरा नेम ट्राई करो क्या होगा। लॉन्गेस्ट चेन मार्क करो, बेटा दोबारा ट्राई करो। महम, आपने थोड़ी गलती की है, आपने भी गलती की है, सब गलती कर रहे हैं। अभी तक सही आंसर मेरे पास नहीं आया। ट्राई करते रहे। नो 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 नो, ऐसा नहीं, सही आंसर दिया, गुड। मोहम्मद अली भी सही आंसर, यस, अब सही आंसर आया। यस गुड, अब सही आंसर आ रहा है मेरे पास। बाकी लोग जिनसे मिस्टेक हुई उन्होंने ट्राई किया, अनस रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग डायल बेटा नहीं होगा। देखो दोनों तरफ एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, वो CH3O लगा हुआ है, वो मिथॉक्सी है। ये ग्रुप जो है ये कौन है? ये मिथॉक्सी है, हमें पहचान हो जाए, ये मिथॉक्सी लगा हुआ है। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है फोर कार्बन की। कार्बन नंबर वन ये है, कार्बन नंबर टू है, कार्बन नंबर थ्री है, कार्बन नंबर फोर है। थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? थर्ड पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, थ्री मिथॉक्सी, पैरेंट चेन ब्यूटेनल। ओके, थ्री मिथॉक्सी ब्यूटेनल, सबने समझ लिया ना? एक बार प्रैक्टिस करोगे घर में ना, फिर आपको याद भी हो जाएगा। आज क्या है? ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन का गैप होगा, उसमें पूरा रिवीजन करना है। फिर हम सैटरडे को इंशाल्लाह आखिरी क्लास लेंगे, नॉर्मल क्लास हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ओके, इसका नाम क्या है? थ्री मिथॉक्सी बीटनल। अब एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम देखें क्या होगा। दो सिस्टम हम लेके चलते हैं नेमिंग में, एक कॉमन नेम होता है और एक आयुपिक नेम होता है। आयुपिक नेम एल्डिहाइड में बहुत आसान है। यस, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, गुड, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। यस, यस का आंसर है। यस, ठीक है, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका नाम होगा। अब एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसका नाम करें ताकि एंड हो जाए हमारा टॉपिक। इसको अगर सही कर लिया तो टॉपिक एंड हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये है कि आपकी नॉमेनक्लेचर जो है उस पर अच्छी कमांड हो रही है आपकी। यस गुड, काफी लोगों ने अच्छा ट्राई किया है। मैं इसका आईयूपीएसी नेम में लिख देता हूँ। आप इसकी लॉन्गेस्ट चेन मार्क करते हैं, वो फाइव कार्बन्स की है, एक ही इसके अंदर ब्रांच निकली हुई है मिथाइल की। एल्डिहाइड इज कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव,
ठीक है, 4 5 ओके। अब इसका नाम मैं लिखता हूं, तो जिनसे मिस्टेक अगर थोड़ी बहुत है तो उसको उसकी करेक्शन करें। क्या नाम होगा उसका? 3-methyl, ठीक है, 4-butene में लिखता हूं। अगर ये अल्कीन है, 4 कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन लिख रहा लिखा मैंने, लेकिन एल्डिहाइड होने की वजह से ब्यूटीन के ई को ड्रॉप करके हम क्या ऐड करेंगे यहां पे? एल। तो क्या नाम हो गया इसका? 3-methyl-4-butenal। सॉरी 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 बेटा, मेरा दिमाग कहीं और जा रहा था, सॉरी, ब्यूटिनल नहीं, पेंटिनल। यस, मैं पैरल को एक चीज सोच रहा था, असल में दिमाग कहीं और था भी, सॉरी, पेंटिनल। यस, थैंक यू बेटा, 3-methyl-4-pentinal। यस, गुड, सबने देख लिया इसको, 3-methyl-4-pentinal, ये फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है। यू बेटा हमारा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड जो है ये मुकम्मल हो गया। अब हम कॉमन नेमिंग तरफ आएंगे। कॉमन नेमिंग के लिए मैंने कहा था कि चेन के जो ग्रीक नेम्स हैं या लैटिन नेम है वो आपको याद करने हैं। अगर वो याद किए हुए हैं तो तब आप नेम कर सकते हैं। जैसे आप अभी देखा ना, मैंने ब्यूटिनल कहा बाई मिस्टेक, स्टूडेंट कहा नहीं सर ये पेंटिनल, 5 कार्बन है ये पेंटिनल। तो ये ब्यूट कब होगा? जब 4 कार्बन होंगे। पेंटा का वर्ड कब होता है? जब 5 कार्बन होते हैं। इसी तरह हमारा जो एल्डिहाइड है वो फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टरल्डिहाइड है, प्रोपाइनल्डिहाइड है, ब्यूटाइलडिहाइड है, वैलेरल्डिहाइड है। ये हमें नाम याद होने चाहिए। तो कॉमन नेमिंग के लिए हम एल्डिहाइड के जो कॉमन नेम है वो ड्राइव करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव करते हैं, ठीक है, किस बेस पे? कि एल्डिहाइड जो है ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है ना तो कार्बोक्सिलेट बनता है। एल्डिहाइड कैसे बनता है? ये भी ऑक्सीडाइज होकर बनता है। ये कैसे बनता है? ये अल्कोहल से बनता है। तो एल्डिहाइड को हमने ऑक्सीडाइज किया तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम को हमने इस्तेमाल करना है एल्डिहाइड के लिए। अगर फॉर्मिक एसिड कोई एक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड जिस एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बना है तो उस एल्डिहाइड को नाम हम फॉर्म एल्डिहाइड का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर ये एल्डिहाइड है ना, HCHO, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसकी ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन मीन इसमें ऑक्सीजन ऐड करें ना फॉर्मल्डिहाइड में, तो आपने इसमें ऑक्सीजन ऐड करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया। चैप्टर नंबर 9 की ये थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे KNO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो प्रोवाइड करता है नेसन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जब इसमें ऐड हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। इसलिए इस एल्डिहाइड को हमने नाम दिया है फॉर्मल्डिहाइड। तो मुझे यूं याद करना है कि 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है और उसका आईयूपीएसी नेम मीथनल है। अब ये 2 कार्बन का एक एल्डिहाइड है, इसका नाम है एस्टरल्डिहाइड। व्हाई इट्स कॉल्ड एस्टरल्डिहाइड? क्योंकि एस्टरिक एसिड बन रहा है इससे, ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स एसिटिक एसिड। तो ये बेटा इक्वेशंस याद नहीं करनी है ना, थ्योरी हम नहीं पढ़ रहे, हम नेम की हिस्ट्री पढ़ रहे कि ये नेम ड्राइव कैसे हुए हैं। तो इतनी बस बात याद रखिए कि एल्डिहाइड का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव्ड है। अब ये लिस्ट दी हुई है, मैंने ये लिस्ट आपको दी थी, अगर ये याद है ना तो फिर कॉमन नेमिंग हो सकती है। तो हमें ये लिस्ट याद होनी चाहिए। 1 कार्बन वाले को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, 2 कार्बन वाला एस्टरल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला प्रोपाइनल्डिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, वैलेरल्डिहाइड। ये सारे नाम आए कहां से? कार्बोक्सिलिक एसिड से आए हैं। ओके, अब कॉमन नेम के लिए कुछ चीजें हैं उनको जरा नोट डाउन कीजिए। द कॉमन नेम्स फॉर एल्डिहाइड्स आर रिफ्लेक्टेड इन ग्रीक एंड लैटिन टर्म। बास के नाम ग्रीक नेम है और बास के नेम लैटिन नेम है, और उनको हमने रटना है, याद करना है, वो स्पेसिफिक नेम है। जैसा वो याद है ना इनऑर्गेनिक के अंदर मिनरल के जो स्पेसिफिक नेम हम याद करते हैं, केमिकल नेम से फॉर्मूला फॉर्म बदल जाता है।
अब इसमें जो सेकंड बात है ना, ये जरा समझने वाली है, कॉमन नेमिंग थोड़ी तवज्जो से समझने वाली है यहाँ पे, कि एक तो आपको रटना है चेन के नेम को, जो पैरेंट चेन आप मार्क करोगे ना फाइव कार्बन की है, और उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोकेट करने के लिए, उनकी लोकेशन बताने के लिए आपको ये लेटर यूज करने हैं, नंबरिंग नहीं करनी है। आपको इस चेन के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उसको लोकेट करने के लिए आप ग्रीक लेटर यूज करेंगे, अल्फा बीटा गामा सिग्मा। अल्फा कार्बन कौन है? जो एल्डिहाइडिक ग्रुप का जो कार्बन है वही अल्फा कार्बन है, सॉरी सॉरी, अल्फा कार्बन कौन है? एल्डिहाइडिक ग्रुप से जो अटैच जो कार्बन है, ये कार्बन नंबर टू है, असल में कार्बन नंबर टू है अल्फा। ये देखिए ये लिख दिया मैंने, अब इसको कॉपी कर लें और उसको मेमोराइज कर लें, याद रख लें कि ये लोकेशंस है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पे तो कोई चीज ऐड नहीं हो सकती है ना। तो अल्फा कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड कार्बन, हर फैमिली में होता है, हर फैमिली में होता है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है, तो CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप। और अगर मैं चेन में आ जाऊं ना, तो ये कार्बन नंबर टू होता है अल्फा, कार्बन नंबर टू से अटैच्ड कार्बन बीटा कार्बन होता है, कार्बन नंबर टू से जो अटैच्ड कार्बन है वो बीटा है, बीटा कार्बन से अटैच्ड कार्बन गामा कार्बन है, और उससे अटैच्ड कार्बन जो है वो सिग्मा है। तो ये लोकेशंस के लिए हम ग्रीक लेटर यूज करेंगे। अब जैसे मैं एक अल्कोहल लिखता हूं ना, ये अल्कोहल है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लिख दिया मैंने। अब मैं नंबरिंग करता हूं, ये कार्बन नंबर वन है, मतलब नंबर्स डाल रहा हूं आपसे सवाल करने के लिए। ओके अब मुझे बताइए कि इसमें भी आपको अल्फा बीटा की बात करनी है, इस अल्कोहल के अंदर अल्फा कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप होगा वो अल्फा कार्बन है। OH जिससे अटैच ना, OH जिससे बॉन्ड बना रहा है वो अल्फा कार्बन है, हसनैन नहीं, OH जिससे अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है। विच कार्बन? कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर, कौन सा कार्बन? कार्बन नंबर वन, स्टूडेंट कह रहे हैं, गुड, ये हमारा अल्फा कार्बन हो, कार्बन नंबर वन इज अ अल्फा कार्बन, इट्स एन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन जो है वो बीटा कार्बन होता है। अब बताएं बीटा कार्बन कौन सा है? टू है, टू और थ्री है, या टू और थ्री और फोर तीनों है, ये बताएं। अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन जितने भी होंगे सारे बीटा कार्बन होंगे, तीनों, गुड, टू थ्री फोर, ये तीनों बीटा कार्बन है। तो अल्फा बीटा की कुछ बात यहां समझ में आ गई, इससे पहले हमें इसकी जरूरत नहीं थी। ओके गुड, तो अब ये बात समझ में आ गई कि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप CHO का ग्रुप जो है, CHO जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको अल्फा कहते हैं, उसकी हाइड्रोजन को कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, उस कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा वो कहलाएगा बीटा कार्बन, उसकी हाइड्रोजन कहलाएगी बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जो अटैच होगा वो कहलाएगा गामा कार्बन। इस तरह ये हम नंबरिंग करते हैं। तो फाइव कार्बन तक की चेन को हमें याद करना है, ये हमारा सिलेबस है, इतना याद करना है हमें। कॉमन नेम गिवन होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है अमूमन। अब मिसाल लेते हैं, मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, अब मुझे इसका कॉमन नेम बताना है। IUPAC नेम तो कर चुके हम, कौन सा नेम करना है इसका? कॉमन नेम करना है, ठीक है। मैं इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है, पहले मैं उसका ट्रैवल नेम, उसका ग्रीक नेम मैं पहले ढूंढूंगा क्या है, इस एल्डिहाइड की चेन का नाम क्या है। तो देखिए इसमें कार्बन कितनी है, फोर है, तो फोर कार्बन की चेन को कॉमन नेम में, ग्रीक में हम क्या नाम देते हैं? ब्यूटाइल एल्डिहाइड। इस ब्यूटाइल एल्डिहाइड के अंदर OH कहां लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी लगी हुई है, कहां लगा हुआ है, उसकी लोकेशन बतानी है। यह है हमारा अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड कौन सा है? बीटा कार्बन। तो मैं इसका नाम करूंगा कॉमन नेम में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड। देख लीजिए,
के ऊपर जो बातें लिखी हैं उनको अगर मैं समझा है, कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप ये जो ग्रीक नेम है या लैटिन नेम है इनको याद करके आइए। अब हम इनको अप्लाई करना है। एक कार्बन का नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। दो कार्बन की चेन को एस्टल्डिहाइड। तीन कार्बन की चेन को प्रोपाइनल्डिहाइड। फोर कार्बन इज द ब्यूटाइलडिहाइड। फाइव कार्बन इज द वैलेरल्डिहाइड। अब इसके अंदर लोकन जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट के, वो क्या होते हैं? वो ग्रीक लेटर्स के होते हैं बेटा। नंबरिंग इज एन आईयूपैक नेमिंग। आप हेडिंग्स को याद रखिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आईयूपैक नेम के अंदर अल्फा बीटा नहीं यूज किया जाएगा, ये एक अलग मेथड है नेमिंग का, जो अब इस्तेमाल एसएच नहीं होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में हम उसको पढ़ रहे हैं। तो ये भी नाम का एक अंदाज है। तो इसकी हम हेडिंग क्या डालते हैं? ये कौन सा अंदाज है? इट्स कॉल्ड कॉमन नेमिंग, नॉट आईयूपैक नेमिंग। आईयूपैक नेमिंग हमने समझ ली, अब वो अलग हो गई। अब कॉमन नेमिंग पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम आईयूपैक के अंदर हमने ये ग्रीक लेटर को हमने यूज नहीं करना है। वहां अभी भी हम 1, 2, 3 यूज करते हैं तमाम फैमिलीज में। तो ये कौन सी नेमिंग है? कॉमन नेमिंग है। ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया? रिप्लाई करें यस नो डन का कोई रिप्लाई करें ताकि मैं आगे बात करूं। बस इतनी सी बात है, अगर समझ ली है अब आप नेम खुद कर लेंगे। इतनी बात समझ ली ना, अब आपने नेम खुद करना है, ठीक है। इसका नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडिहाइड। अब ऊपर एक चेन बनी हुई है, मैं उसके अंदर इस चेन के अंदर इस कार्बन के ऊपर एक एच की जगह लाके क्लोरो लगा दूं। क्लोरो लगा दूं तो मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नेम क्या होगा? गुड। बीटा की जगह बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अल्फा की जगह ए लिख सकते हैं आप रिप्लाई में मुझे, ठीक है। बीटा के लिए बी, अल्फा के लिए ए और गामा के लिए जी लिख सकते हैं आप मेरे लिए, ठीक है। यस बीटा नहीं, बीटा क्लोरो ना, यस। ऑलमोस्ट स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर दिया। क्या नाम हो गया इसका? बीटा क्लोरो वैलेरल्डिहाइड। Yes. बीटा क्लोरोवैलेरल्डिहाइड, ठीक है, ओके। आइए अब थोड़ी सी कॉमन नेमिंग को और कुछ मजीद देखते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इसका कॉमन नेम बताइए क्या होगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, सी एच टू सी एल सी एच ओ, इसका कॉमन नेम क्या होगा? ठीक है, मैंने ही कहा कि अल्फा के लिए आप ए यूज कर लें रिटर्न में जवाब देते हुए मुझे, बीटा के लिए आप बी यूज कर लें लिखें उसमें टाइप करेंगे जब आप, गामा के लिए आप जी यूज कर लें, ठीक है। यूज समझ में आ जाएगा कि आप मुझे क्या बोल बता रहे हैं। अब इसका नेम बताएं क्या होगा? यस गुड ना, सबने सही बिल्कुल आंसर दिया है। इसका नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एस्ट एल्डिहाइड। और अगर मैं इसको लिखता हूं क्लोरो एस्ट एल्डिहाइड एल्डिहाइड, तब भी सही होगा। मैं अगर लोकेट ना भी डालू, क्यों? क्योंकि ये क्लोरो किसी और कार्बन में नहीं लग सकता, ये इस एस्ट एल्डिहाइड के अंदर क्लोरो अगर मौजूद है तो वो मस्ट है कि अल्फा कार्बन पे ही होगा, ठीक है। वो मस्ट है कि वो कहां होगा? अल्फा कार्बन पे ही होगा, कहीं और नहीं हो सकता है। अब बेटा मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मुझे कॉमन नेम बताइए ताकि फिर हम टॉपिक को एंड कर दें। यस, मैंने एक और स्ट्रक्चर लिख दिया यहां नीचे, इसका बस मुझे कॉमन नेम बताइए ताकि हमारा टॉपिक एंड हो जाए।
ये सही है, गुड, सबने सही आंसर दिया था मुझे। अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटाइल्डिहाइड, अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटाइल्डिहाइड, यस गुड, सब सही आंसर दे रहे हैं मुझे। क्या नेम है उसका? अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटायर एल्डिहाइड। देखिए सबने ये आंसर दिया ना मुझे, ओके डन। ये हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड मुकम्मल हो गया। अब कुछ बुक के क्वेश्चन है, जरा उनको आंसर कर लेते हैं, ठीक है? बुक के क्वेश्चन देखिएगा कौन से करने हैं। फर्स्ट वन इज वेरी डिफिकल्ट, जो मतलब अमूमन लोगों से मिस्टेक होती है, ये पहला है। मिथाइल बीटा गामा तो इसमें नहीं था ना, इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं अगर आप, तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर यूं था, CH3 CH CH3 CH CH3 एंड CHO। इसमें ये हमारी जो चेन है ये ब्यूटाइलडिहाइड की है, अल्फा कार्बन ये है, ये बीटा कार्बन है। इस स्ट्रक्चर के अंदर मिथाइल गामा कार्बन पे मौजूद नहीं है। हो सकती नहीं हो सकती की बात कर रही हैं आप? सवाल में इश्यू है मुझे लग रहा है, मैं कुछ बातें करके देखता हूं, आप मुझे बताएं कि क्या कहना चाह रही हैं। CH3 CH CH2 CHO, मैंने एक ब्रांच यहां लगा दी और एक ब्रांच अगर आप कहती हैं यहां लगाती हैं, तो ये ब्रांच नहीं बनती बल्कि ये लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होके ये वैलेरल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये गामा मिथाइल नहीं होगा बल्कि ये वैलेरल्डिहाइड की एक चेन बन जाएगी। ठीक है, इसमें कोई और है रिमेनिंग कोई सवाल है तो मैं अनम्यूट कर लेता हूं फिर आपको ना, फिर सवाल कर लीजिएगा। बेटा गामा फोर्थ का टर्मिनल पे आपको मालूम है अल्काइल की ब्रांच कभी भी नहीं होती है, टर्मिनल पे कभी भी ब्रांच नहीं होती है, वो तो फिर चेन कैसा बन जाता है। अल्फा और बीटा पे जो ब्रांचेस लगी हैं उनको बीटा और गामा नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते बेटा, कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप मुझे बताएं ना, कैसे लिख सकते हैं? मैं इसको पूरी इरेज करूं, अच्छा ठीक है, मैं आपकी पहले मुझे बात समझ, मैं आपको अनम्यूट करने लगा था, लेकिन मैं कुछ आपकी बात समझा हूँ और मैं भी आपको थोड़ा इसको वाजे करता हूँ। दोबारा देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर था, राइट, CH3 CH CH3, अगेन CH CH3 एंड CHO। पहले तो ये क्लियर करो विच वन इज एन अल्फा कार्बन। ये एक लॉन्गेस्ट चेन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, मैंने तो डार्क कर दिया इसको, ये फंक्शनल ग्रुप है, इट्स नॉट एन अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कहलाता है अल्फा कार्बन। पहली बात बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, विच वन इज एन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन इज एन अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच कार्बन इज अ बीटा कार्बन। आगे नंबरिंग करने की जरूरत मुझे क्यों नहीं है, अब मैं कर दे भी देता हूं गामा कार्बन। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन देखें कहां पे है, ये सुनहरा मुझे आंसर करें ना, आपको बात समझ में आ रही है ना कि इसमें जब हम चेन मार्क कर देंगे ना तो फिर हम नहीं कहेंगे कि ये एक बीटा कार्बन है और ये एक गामा कार्बन है, ये नहीं कहेंगे फिर हम। जब हम जनरल बात कर रहे होंगे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम बात कर रहे होंगे तो अल्फा पे अटैच कार्बन ये वाला कार्बन बिल्कुल बीटा कार्बन है। मैं थोड़ी बात और आपकी समझ में आई है मुझे, और ये कार्बन जो है गामा कार्बन जरूर है, लेकिन उस चेन नेमिंग के अंदर जब हम कर रहे होंगे तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्रांच बना हुआ है,
और ये ब्रांच किस कार्बन पे अटैच्ड है वो हमने बताया कि इस बीटा कार्बन, ये जो कार्बन है, ये कार्बन मिथाइल का पूरा ग्रुप है, ये किस कार्बन पर लोकेट कर रहा है, तो इसकी लोकेशन क्या है, अल्फा है, इसकी लोकेशन कौन सी है, बीटा है। ठीक है, इसकी टाइप को नहीं बताना बेटा कि ये किस टाइप का है, ये बीटा कार्बन जरूर है, ये गामा कार्बन जरूर है, ये किस नेचर का, ये नहीं बताना हमें, ये लोकेट कहां कर रहा है वो बताना था हमें। अब मैं आपकी बात पूरी समझा, ओके डन। एक सवाल का जरा आंसर कर ले, अगर हमारे अल्फा पे तीन ब्रांचेस हो जाएं, ये तीन ब्रांचेस हमने कर दी, यू तीन ब्रांचेस कर दी, ओके, जब आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया, जो आपने कहा मुझे, मैंने बना दिया, तो आप देखें कि अल्फा पे तीन ब्रांचेस नहीं हो सकती है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन जो बन रही है वो तीन कार्बन की बन रही है, उनमें से एक जो है वो टर्मिनल जरूर बनेगा, उसमें से एक जो है वो चेन के अंदर आ जाएगा, तो फिर आपकी अल्फा पे दो ब्रांचेस हो जाती हैं, अल्फा अल्फा डाई मिथाइल प्रोपाइल एल्डिहाइड, क्या नाम होगा इसका, अल्फा अल्फा डाई मिथाइल प्रोपाइल एल्डिहाइड। जी डन, ओके। अब मैं ये कह रहा हूं कि बुक के जो असाइनमेंट में जो आपको नेम दिए हुए, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, कॉमन नेम अमूमन लिखने के लिए नहीं आता है, हमेशा आता है गिव द आईयूपैक नेम और द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, आईयूपैक नेम देना होता है आपको। अब ये कॉमन नेम लिखा हुआ आइसो ब्यूटार एल्डिहाइड, इसको ड्रॉ करो कैसा होगा, नहीं मुझे नहीं ड्रॉ करके बताएंगे आप ड्रॉ करके अपने पास रख लीजिए, मुझे डन का रिप्लाई कर दें, तो फिर मैं इसको ड्रॉ करता हूं और देखता हूं कि आपने कैसा ड्रॉ किया, आइसो ब्यूटार एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ट्राई करें कि ये कैसे बनेगा। गुड बेटा, एक स्टूडेंट ने कर लिया है, बाकी लोग भी करें फौरन, और मुझे बताएं आइसो ब्यूटार एल्डिहाइड को कैसे ड्रॉ करेंगे हम। थ्री स्टूडेंट का रिप्लाई आ गया, फोर फाइव सिक्स गुड सेवन, ट्राई करें आइसो ब्यूटार एल्डिहाइड। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, मैं समझा के ड्रॉ करूंगा, क्योंकि अब इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली है कि हम इसको लफ्ज मायने को समझते हुए इसको ड्रॉ करते हैं क्या स्ट्रक्चर होगा। गुड, कई लोगों ने आंसर कर दिया, आप बेटा सुने मैं क्या बनाऊंगा, मुझे बताइए आइसो के मीनिंग क्या होते हैं, सेकंड कार्बन पे सिंगल ब्रांच, याद है ना, सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच, सेकंड कार्बन, ये पहला कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, इस पे ब्रांच कर दी मिथाइल, ये आइसो होता है, आइसो, आइसो को डिफाइन करने के लिए मुझे तीन कार्बन चाहिए होते हैं, पहला कार्बन पे कभी ब्रांच नहीं होती है, सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ जाती है, बिल्कुल, ये आइसो को ड्रॉ करने में तीन कार्बन आ गए, आइसो ड्रॉ हो गया, आगे लव्स क्या है, ब्यूटार एल्डिहाइड का मतलब क्या है कि एल्डिहाइडिक कंटेनिंग फोर कार्बन, एल्डिहाइडिक कंपाउंड कंटेनिंग फोर कार्बन टोटल, कितने कार्बन टोटल उसके फोर है, तीन तो ये ड्रॉ हो चुके हैं, तो फोर्थ इज अ एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये बन गया आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड। देखिए अगर मैं सारों को एक सिंगल चेन में लूंगा तो वो क्या होगा, वो सिंपल ब्यूटायर एल्डिहाइड होगा। अब दोनों को समझ में आ गया, ये ब्यूटायर एल्डिहाइड नीचे ड्रॉ किया और ऊपर क्या ड्रॉ किया मैंने, आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड, आपके स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कार्बन अगर फोर है इसी तरह तो सही है, अगर फाइव कार्बन हो गए तो वो आइसो ब्यूटार एल्डिहाइड नहीं हो सकता है, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ये हर साल की मुझे मालूम है स्टूडेंट से मिस्टेक होती है, अब समझ 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 में आया होगा, अगर मैंने क्या बताया आपको कि आइसो के मीनिंग आपको याद करने समझने थे क्या थे, सेकंड कार्बन पे सिंगल ब्रांच, तो ब्यूटार एल्डिहाइड
इज अ सिंगल चेन. अगर मैं लिखता हूँ ब्यूटाइलडिहाइड मीन्स नो ब्रांच, आइसोब्यूटाइलडिहाइड मीन ब्यूटाइलडिहाइड कंटेनिंग अ सिंगल ब्रांच ऑन द सेकंड कार्बन. ओके गुड बेटा, अच्छा बहुत अच्छी बात है, आपने ड्रॉ किया था फर्स्ट वाला, ये तो बहुत अच्छी बात है. डन का रिप्लाई करें तो मैं आगे फिर बात करूं, ताकि ये बात हमारी खत्म हो गई. अब इसके बाद मैं जो मार्क करवाऊंगा आपको होमवर्क, गुड बेटा, होमवर्क मार्क करवाऊंगा आपको, सिर्फ एक ही नाम यहां दिया हुआ है जिसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आपको होमवर्क है, खुद ट्राई करेंगे. ट्यू क्लोरोप्रोपनल, ये आईयूपीएसी नेम दिया हुआ, आईयूपीएसी नेम इज अ स्ट्रक्चरल नेम जो पूरा स्ट्रक्चर ही वाजे कर देता है. बस ये दो ही है जिनके आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, एक हमने क्लास में कर दिया, एक अब आपका होमवर्क है जो आप खुद करेंगे. आगे हम मूव करते हैं. अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जिनके आईयूपीएसी नेम करने होंगे, अभी क्लास में कीजिए. कौन कौन से करेंगे अभी मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ. 5 मिनट्स तो इनफ है, 3 मिनट में हो जाएगा वैसे तो. मैं मार्क करवाता हूँ कौन कौन सा, 9, 9, 10, 11, 12. ये 4 जो है एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स हैं, इनके जरा आईयूपीएसी नेम लिखे क्या होंगे. यस 2 मिनट्स और है इसमें आप मुकम्मल करें. नहीं बेटा, आईयूपीएसी नेम करना है, आईयूपीएसी नेम में ग्रीक नेम ऑफ द चेन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. ओके गुड बेटा, कुछ लोगों ने कर लिया है, गुड. कितना टाइम दें हम और मजीद, चलो 1 मिनट अभी और है आपके पास, कर ले उसको, बाकी लोग जरा थोड़ा वेट कर ले, और जो कर रहे हैं जरा 1 मिनट का टाइम है आपके पास, कर ले मुकम्मल उसको काम. अब थोड़ा सा और फोकस हो जाएं, बिल्कुल कंफर्म है एग्जाम्स होंगे, उसकी और अच्छी तैयारी करें. नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कैंपस में मुलाकात होगी आपसे. ओके अब मैं नेम लिख रहा हूं, ठीक है, और आप अपने आंसर्स को टैली कीजिएगा. 9th वाले का नेम मैं लिख रहा हूं, is a 3-ethyl-4-methyl-pentanol. 1, 2, 3, 4, 5, yes. 9th ka main IUPAC name likh raha hoon. 3-ethyl-4-methyl-pentanol.
टेंथ इज अ वेरी इजी ना, ब्यूटेनल। टेंथ का नाम तो बहुत ही आसान है, सिंगल चेन है, फोर कार्बन की, इज अ ब्यूटेनल। इलेवेंथ जो है ट्यू ब्रोमो, ट्यू मिथाइल प्रोपेनल। ट्वेल्थ एंड लास्ट, फ्री मिथाइल ब्यूटेनल, फ्री मिथाइल ब्यूटेनल। कोई सवाल है तो सवाल पुट करें, नहीं तो डन कर अप्लाई करें, हम आगे नेक्स्ट फैमिली पे अब आते हैं। ठीक है, कोई सवाल है तो सवाल कीजिए इसके अंदर। इसके पास पेपर का होमवर्क भी मैं आज आपको भी क्लास से फौरन बाद ही व्हाट्सएप कर दूंगा, कि मैंने वो स्क्रीन ड्रॉ कर ली थी। और एल्डिहाइड का नॉर्मल क्लेचर एग्जाम में ऐसे इतना कॉमन नहीं है, लेकिन भरल बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, बड़ी तवज्जो से करना जरूर है। सबने कर लिया, ठीक है। अब आज बेटा नेक्स्ट हेड डालें, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड में थोड़ा टाइम लगा, कार्बोक्सिलेशन उम्मीद है कि हम जल्दी कर लेंगे, क्योंकि इसमें सारी बातें वही है, सिर्फ सुफिक्स चेंज होगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते किसको, है ना? तो हमने बुक की आसान लफ्जों में डेफिन लिए। अगर आप बुक में पेज नंबर 204, 205 को आज दोबारा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 की थ्योरी में, मैं ये टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा कि हम आज पढ़ रहे हैं उसको। कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी डब्लो ओ एच, वो कंपाउंड जिनमें सी डब्लो एच का ग्रुप पाया जाए, ये फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में हमें याद कर लिया था। अब हम वन बाय वन सब कर रहे हैं ना फैमिलीज, आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, ये दो ग्रुप से मिलके बना हुआ है असल में। ये दो ग्रुप अलग अलग हमें वहां मार्क नहीं करने हैं, इसकी फॉर्मेशन बात की जा रही है। व्हाट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच्ड है। कार्बोनाइल की फैमिली ना सीओ वाली, ये देखो सीओ है जो कीटोन में भी था, एल्डिहाइड में भी था। इसके साथ अगर OH कंबाइन कर दिया जाए तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है, या हम इसको सी डब्लो एच यू लिखते हैं। ओपन फॉर्म वो है, आप कंडेंस फॉर्म में यू लिखेंगे सी डब्लो एच। इस फैमिली का जनरल फार्मूला जो है वो क्या है, सी एन एच टू एन प्लस वन। ये अल्काइल की कंपोजिशन है, सी एन एच टू एन प्लस वन अल्काइल, और साथ में सी डब्लो एच लगा दें तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंट बाय आर सी डबल ओ एच। तो इस पूरी स्लाइड के अंदर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफाइन किया है, कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच कंडेंस फॉर्म में या ओपन फॉर्म में कहीं भी नजर आ रहा हो। इसमें भी ये बात याद रखिए, आर जो है, आर ये आर, इनमें भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। आप इसकी फर्स्ट वैल्यू आर की जगह हाइड्रोजन पुट करेंगे और फिर आप उसकी जगह अल्काइल पुट करते जाएंगे, तो पहला कंपाउंड कार्बोक्सिलेट का क्या होगा, एच सी डब्ल ओ एच। इस आर की जगह एच पुट कर दूं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच सी डब्लो एच। ओके, अब हम आते हैं नेमिंग की तरफ, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली बात क्या है, अगर आपने एल्डिहाइड को समझ लिया है, सब बातें वही हैं। जब आईयूपीएसी नेम करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन जो है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का होना जरूरी है, और ये हमेशा टर्मिनल होगा, ये हमेशा कॉर्नर होगा, कॉर्नर जैसे एल्डिहाइड होता है ना टर्मिनल, ये भी टर्मिनल होता है, हमेशा हमेशा कॉर्नर पे होगा। सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है ना एल्डिहाइड और उसमें, वो सिर्फ बेटा ये सुफिक्स का आ रहा है बस, और बाकी कोई नई बात नहीं करेंगे आज हम। अभी हम
ओ एक एसिड, ये आपने एंड में ऐड करना होगा पैरेंट चेन के। पैरेंट चेन 5 कार्बन की है, तो 5 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं आप? पेंटेन ना। उसके ई की जगह आप जो सुफिक्स ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटानोइक एसिड। ब्यूटेन है तो ब्यूटानोइक एसिड। हेक्सेन है, हेक्सानोइक एसिड। ओइक एसिड ये एज अ सुफिक्स ऐड कर रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन के लिए। ओके, और ये वही बात एल्डिहाइड से मैंने ली है कि एल्डिहाइड में हमने जैसे किया था कार्बोक्सिलेशन में, सेम यही है कि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन इज ऑलवेज नंबर वन कार्बन, ये हमेशा नंबर वन कार्बन होगा और इसको लोकेट करने की आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको लोकेट करेंगे ये कौन सा कार्बन होगा। मिसाल के तौर पे ये इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, एक कार्बन वाली चेन को मीथेन कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से सफिक्स ओइक एसिड लगा दें तो क्या बन जाएगा? मीथानोइक एसिड। एक कार्बन है इसमें तो इसलिए मीथेन कहलाएगा, मीथेन से ड्राइव्ड है तो ये बन जाएगा मीथानोइक एसिड। अब मैंने एक और स्ट्रक्चर लिखा है और इसका मैं आईयूपीएसी नेम करना है। IUPAC नेम के बेसिक रूल तो वही है ना कि लॉन्गेस्ट चेन मार्क करते हैं इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। सब्स्टिट्यूएंट्स को मार्क कर देते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप इज ऑलवेज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल को लोकेट करने की जरूरत नहीं है, वो वन कार्बन ही होगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2,3-dimethylbutanoic acid। आपको सिर्फ यही वाली एक नई बात इसमें ऐड करनी है, सब्स्टिट्यूट का नेमिंग आपने अल्केन में किया था 2,3-dimethylbutanoic acid। सबने कॉपी कर लिया, लिख लिया इसको, क्या नाम है इसका? 2,3-dimethylbutanoic acid। इस कर ले, कॉपी कर ले इसको, मैं वेट कर रहा हूं। 2,3-dimethylbutanoic acid। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट मतलब चेंज हुआ है, वो क्या है? सफिक्स, बाकी कोई नई बात नहीं है। इसलिए अगला स्ट्रक्चर जो मैं भी शो करूंगा उसका IUPAC नेम आपको खुद लिखना है। मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, इसका बताएं IUPAC नेम क्या होगा। सही रिप्लाई किया आप लोगों ने, इज अ 2,2-dimethylpropanoic acid। यस, ये नाम है, देख ले ये नाम लिखा होगा 2,2-dimethylpropanoic acid। ओके, अब नेक्स्ट ये है, इसका नेम करें क्या होगा? Yes, good. देख लीजिए ये नाम है इसका 3-hydroxybutanoic acid। Yes, good. 3-hydroxybutanoic acid. अब ये लास्ट है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, आपने से सुनना है कि इसका नेम क्या होगा। इसमें मुझे बताएं कि फंक्शनल ग्रुप दो है, कार्बोक्सिल ग्रुप तो नजर आ ही रहा है आपको, और कौन सा ग्रुप मौजूद है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप सेकंड कौन सा है इसके अंदर? इज अ मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड।
सेकंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, उसका नाम क्या है, नाम नाम बताएं नाम। यस कीटोन, नो ईथर नहीं बेटा, ईथर नहीं आशा, ईथर नहीं, कीटोन, सीओ कीटोन, गुड। ये सिंगल चेन है, कोई सब्स्टिट्यूट कोई ब्रांच नहीं है इसके अंदर। कार्बन नंबर वन हमेशा कौन सा होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन होगा। कार्बन नंबर टू जो है ये है, और थ्री जो है वो कीटोनिक ग्रुप है, और ये फोर, ठीक है। तो यहां जो कीटोनिक ग्रुप, जो कार्बोनाइल ग्रुप, जो सीओ लगा हुआ है इसमें, इसको ऑक्सो एज अ प्रीफिक्स लेंगे, क्या नाम होगा इसका, थ्री कार्बन जो है, थ्री कार्बन पे कौन मौजूद है, ऑक्सो। जैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आपने कहा था थ्री कार्बन पे हाइड्रोक्सी था, ये अगर एज अ सफिक्स होगा तो इसको ओल पढ़ते हैं ना, तो कीटोन का ग्रुप जब सफिक्स में होता है तो ओन पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रीफिक्स में आता है तो क्या पढ़ते हैं उसको, ऑक्सो, थ्री ऑक्सो बीटानोइक एसिड, थ्री ऑक्सो बीटानोइक एसिड। क्या नाम हो गया, थ्री ऑक्सो बीटानोइक एसिड, कॉपी कर लिया, थ्री ऑक्सो बीटानोइक एसिड। कॉमन नेमिंग से पहले मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं और इसका नाम कर लेते हैं, यह है सी डबल ओ एच बॉन्ड सी डबल ओ एच, इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड भी इसका नाम है, हमें इसका आईयूपैक नेम बताना है। इसमें दो कार्बन है और दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, वन टू इथेन डायओइक एसिड, इस आई डायओइक एसिड, क्या नाम है इसका, वन टू इथेन डायओइक एसिड। ये मैंने कर दिया, अब एक स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं उसका मुझे नाम बताओ क्या होगा, अच्छा ये कैसे हुआ देखो बेटा ये दो कार्बन है ना, इसको मैं यू लिखता हूं एच ओ ओ सी बॉन्ड सी ओ ओ एच, ये यू दिया हुआ असल में, तो ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप, दोनों तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो कितने कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये टू दो कार्बन है, तो दो कार्बन की चेन को ईथेन कहते हैं, इसलिए ईथेन में कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू दोनों कौन है, ओइक एसिड है, तो क्या नाम हो गया इसका, ईथेन डायओइक एसिड। अच्छा आपको सवाल रहता है तो मैं दोबारा रिप्लाई कर दे, मैं कर दूंगा उसका आंसर। ये जो स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया इसका नाम बता दें क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ किया है इसका आयुपिक नेम क्या होगा, ये भी डायोविक एसिड है, ये कौन सा डायोविक एसिड है, यस गुड, सबने सही आंसर दिया है, 1,4 ब्यूटेन डायोविक एसिड, क्या नाम है इसका, 1,4 ब्यूटेन डायोविक एसिड, सबने सही रिप्लाई किया मुझे, ओके आप कॉमन नेमिंग पे आ जाओ, तो कॉमन नेमिंग के लिए पैरेंट चेन के भी ग्रीक नेम्स याद करने हैं, अब आईयूपैक नेम नहीं कर रहे हैं, अब ये बीटानोइक एसिड नहीं होगा, फोर कार्बन ब्यूट्रिक एसिड होगा, थ्री कार्बन प्रोपानोइक एसिड नहीं होगा, प्रोपायोनिक एसिड होगा, प्रोपायोनिक एसिड होगा ना, ओके। अब ये नेम मैंने लिस्ट सामने रखी हुई है कि आपको चेन का नाम याद हो, रटा होना चाहिए, नहीं है तो सामने हमारे मौजूद है, हम इसको आप देख सकते हो और आपको नेमिंग करनी है। तो ग्रीक नेम के लिए कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये ड्राइव्ड कहां से है, इन कंपाउंड के सोर्स ओरिजिन से, ये कंपाउंड आया कहां से, तो वो ग्रीक नेम यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। ये दोबारा वो एक बार पॉइंट पर रिपीट हो गया, यहां पे पॉइंट नंबर वन है, पॉइंट नंबर टू तो वही रिपीट हो गया असल में दोबारा, पॉइंट नंबर वन
नोट करें फिर पॉइंट नंबर टू, ये वही बात जो एल्डिहाइड के अंदर थी ना, बिल्कुल दोनों के नेमिंग के अंदर बहुत चीजें कॉमन है, बहुत सी चीजें कॉमन है कि एक तो आपको पैरेंट चेन का ग्रीक नेम याद करना है और फिर उसमें लोकेंस के लिए ग्रीक लेटर यूज करेंगे, कॉमन नेम में ग्रीक लेटर यूज करेंगे, नंबर यूज नहीं करेंगे। और ग्रीक लेटर कौन से यूज करेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा कौन सा कार्बन होगा, कार्बोक्सिलिक से बॉन्डेड कार्बन, जैसे वेलेरिक एसिड के अंदर यह है फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन से अटैच है वो कौन सा होगा अल्फा, अल्फा से अटैच कौन सा होगा बीटा, बीटा से अटैच क्या होगा गामा, और अटैच क्या होगा सिग्मा, ठीक है ओके। ये पूरी चेन बना दी मैंने यहां पे, इसको देखते हुए अब एग्जांपल में लिखता हूं, आपने खुद नेम करना है क्योंकि एल्डिहाइड हमने कर लिया तो ये आप कर लेना चाहिए, इतना कॉमन सेंस है कि हम इसको खुद कर, आप खुद कर सकते हैं ओके, करें इसको ट्राई करें, देखिए इसका नेम क्या होगा। मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है इसका, मुझे कॉमन नेम बताएं क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन का ग्रीक नेम देखें क्या होगा, कंटिन्यूस चेन का ग्रीक नेम क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट का लोकेन देखें ग्रीक लेटर में क्या यूज करोगे, और फिर इसका नाम देखें क्या होगा। तो आप लोकेन अल्फा के लिए ए, बीटा के लिए बी लिखोगे, गामा के लिए जी लिख के मुझे आंसर करोगे, ठीक है। मेरे पास सिर्फ एक रिप्लाई आया है और वो बिल्कुल सही है, यस बिल्कुल ठीक है। ओके बिल्कुल सही, क्या नेम है सब देख लें, ये नाम लिखा सब ने, यस गुड। वली आपने लोकेंट गलत डाल दिया ना, क्या मतलब है कि देखें फंक्शनल ग्रुप कार्बन जो है वो कोई नंबर नहीं है, ये कार्बन नंबर टू जो है ये अल्फा कार्बन होता है असल में, फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड कार्बन इनमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलेट में, और अल्कोहल जो होता है उसमें कार्बन नंबर वन जो होता है, फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड कार्बन जो होता है OH से बॉन्डेड कार्बन, ओके। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड हो गया, आप नेक्स्ट में लिखा है उसका नाम देखें क्या होगा, आप खुद ट्राई करें। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया इसका, देखें कॉमन नेम क्या होगा, आयशा आपने नाम रॉन्ग लिखा था, सही कर लिया आपने उसको, क्योंकि फोर कार्बन की टोटल लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट्रिक एसिड कहते हैं। यस इसको भी सही लोगों ने आंसर किया है मुझे, बिल्कुल गुड। अल्फा बीटा डाई क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड, चलिए एक और स्ट्रक्चर है इसका नाम देखें क्या होगा, एक और स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दिया इसका, देख लीजिए कॉमन नेम क्या होगा, यस गुड, अल्फा अल्फा डाइमिथाइल प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा अल्फा डाइमिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको खुद करना है अब आपको, क्योंकि ये एल्डिहाइड में जो हमने थोड़ा टाइम लगाया समझने में, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मार्क करवाता हूँ, होमवर्क मार्क करें, ठीक है। पेज नंबर 212 बुक में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में जो नेम दिए हुए हैं 26, ये वाला 26, 27, 28, 29, ये फोर करने हैं। अब आप देखें इसमें हमारे एक्सरसाइज में क्या रह गया, अगर चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज देखोगे ना बेटा, एक्सरसाइज ये चैप्टर पढ़े बगैर पूरी एक्सरसाइज हमने कर लिया, असाइनमेंट पूरा कर लिया ना, ऐसा है ना, बस एक रह गया, कौन सा रह गया, ईस्टर रह गया ना बस। तो आप देखें इसके अलावा और कोई थ्योरी मौजूद नहीं थी सच, ओके ये मार्क हो गया 212 पेज पे, ओके अब आ जाए पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे जो सॉरी पेज नंबर नहीं क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 213 की बात कर रहा हूँ,
उसमें स्ट्रक्चर मार्क करेंगे आप कौन सा 16, पेज 213 का स्ट्रक्चर नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा स्ट्रक्चर सॉल्व करना है 16। आप अगर क्लास में होते ना और हम जरा आप सामने बैठे होते हैं तो मैं वर्बली बात कर रहे होते, मैं आपको नहीं कहता बेटा इसको लिखे, मैं कहता मुझे वर्बली बताएं, बगैर लिखे बताएं मुझे इनके नाम क्या होंगे। ये मार्क हो गया। इसके बाद पेज नंबर 214 में जो रिमेनिंग है वह 4 और है, कौन सा 17 मार्क करें, सॉरी 17 मार्क करें, 18 मार्क करें, 19 और 20। ये 5 स्ट्रक्चर्स हो गए। ये तो हो गया आपकी बुक में मार्क कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद ये पास पेपर है बेटा, एल्डिहाइड्स कीटोन, मैं आप कॉपी नहीं करेंगे इसको, ये मैं भी आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन के ये स्ट्रक्चर्स हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये स्लाइड मैं भी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके, कोई अगर सवाल है तो सवाल कर लीजिए। कोई अगर सवाल है तो मैं जरा वेट कर रहा हूँ, सवाल कर लीजिए, नहीं तो क्लास बेटा एंड है, आप जा सकते हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह मुलाकात कब होगी, एक हमारी और ऑनलाइन क्लास है, उम्मीद है इंशाल्लाह सैटरडे को होगी। हाँ बेटा मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन करें आप मुझसे। उसके बाद बेटा ये पढ़ लो, नहीं बहुत है, उसके बाद क्या करेंगे वो हमें जरूरत नहीं है उसकी ना, इतना ही करना है, उसके बाद की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि गामा और ये भी सिग्मा जो है ये भी हमारे अभी नाम नहीं आया है ना। दिखा दें कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन, मैं स्लाइड पीछे कर दूं, आप जी कह रहे हैं, मैं बैक कर देता हूं स्लाइड। इस स्लाइड की बात करें, यहाँ पर काम हो गया सर, ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं, ब्यूटेन के बेटा 2 आइसोमर होते हैं, एंड ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, एंड ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, और बताइए, एंड ब्यूटेन आइसोब्यूटेन 2 आइसोमर होते हैं। जल्दी जल्दी बेटा रिप्लाई करते जाओ, यस और सवाल ऐड करना, सवाल ऐड करते हैं। सेकेंडरी ब्यूटेन और टर्शियरी ब्यूटेन नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, नो ब्यूटेन में ये कभी भी नाम नहीं यूज होगा बेटा। सेकेंडरी का वर्ड किसके लिए है, जब फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप तो ब्यूटेन में फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं होते हैं। एंड ब्यूटेन एंड नहीं बेटा, नॉर्मल क्लचर के लिहाज से किया है हमने, अभी थ्योरी अच्छी खासी बाकी है, जरा थोड़ी अभी ना पढ़ना भी हमें क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मीन हमने नेमिंग बहुत अच्छे तरह से कर लिया। नहीं आपको थैंक यू मैं भी नहीं लूंगा, मैं इसमें भी ऐड थोड़ी सी बात करूंगा, मेरी बात सुनो। देखो जो एन ब्यूटेन है ना, एन ब्यूटेन, उसके 2 अल्काइल बनते हैं, एक ब्यूटाइल बनता है उसमें से और एक बनता है उसमें से, एन ब्यूटेन की बात कर रहा हूं, एक बनता है उसमें से सेकेंडरी ब्यूटाइल, एन ब्यूटेन में से। और जो आइसो ब्यूटेन होते हैं ना, आइसो ब्यूटेन में से, आइसो ब्यूटेन एक स्ट्रक्चर है, आप एक एच निकाल दें तो उसके 2 आइसोमर बनते हैं, आइसोब्यूटाइल भी बनता है और टर्शियरी ब्यूटाइल भी बनता है। तो ब्यूटेन सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है, एच निकलने के बाद वो 4 में कन्वर्ट हो जाता है, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक, एक मैं कहता हूं खूबसूरती है। एनी हाउ ओके, मैं करता हूँ आयशा, आपका आपका सवाल मैं लेता हूँ, मैं एक आज और स्टूडेंट को देख लूँ कोई क्वेश्चन किसी का रह तो नहीं गया मेरे पास। हाँ नहीं कोई सी बात नहीं, नहीं रह गया, ठीक है। अच्छा आपका सवाल मैं ले रहा हूँ, ये यूं है बेटा, एच सी डबल ओ एच, इसका नाम है, इसका आईयूपीएसी नेम है मीथानोइक एसिड, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दोबारा मैंने लिखा, इसका नाम है मीथानोइक एसिड। इस मीथानोइक एसिड में
इस एसिड के अंदर, अगर ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, अगर मैं इसको चेंज करूंगा फैमिली चेंज हो जाएगी, लेकिन इसके इसके लेफ्ट पे देखें एक हाइड्रोजन लगी हुई है ना, हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन की जगह अगर यही एक ग्रुप और लगा दिया जाए तो हम कहते हैं ये दो कार्बोक्सिल ग्रुप लग गए हैं। ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका नेम क्या करेंगे, ये कार्बोक्सिल ग्रुप दो हो गए ना तो डायोइक एसिड हो जाएगा। ओइक एसिड का मतलब क्या होता है, सिंगल। अगर ये दो हैं तो दो के लिए हम क्या करते हैं, ओइक एसिड से पहले प्रीफिक्स लगाते हैं डायोइक एसिड। जैसे दो अल्कोहलिक ग्रुप हो तो डायोल कहते हैं, दो क्लोरीन हो तो डायक्लोरो कहते हैं, दो मिथाइल हो तो डायमिथाइल कहते हैं, तो दो कार्बोक्सिल को कहेंगे डायोइक एसिड करेंगे। तो ये दो कार्बोक्सिल ग्रुप, टोटल कितने कार्बन है, दो है, इसलिए हम कहेंगे इसको क्या नाम होगा इसका, इथेन, इथेन डायोइक एसिड। डायोइक एसिड में अगर टोटल चार कार्बन है तो होगा ब्यूटेन डायोइक एसिड, तीन कार्बन है तो प्रोपेन डायोइक एसिड। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये था सी डबल ओ एच बॉन्ड सी डबल ओ एच, जिसको हम ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं, और इथेन डायोइक एसिड इसका आईयूपैक नेम है। कोई और बात है बेटा तो उसमें ऐड करो। ओके, किसी और बेटे बच्चों का कोई सवाल है, स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन है आप ऐड करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फिर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।